कहते हैं जीवन में सबसे अनमोल होता है हमारा स्वास्थ्य। आप अपने को स्वस्थ रखने के लिए क्या करते हैं? जिम, जॉगिंग, योगा, जो भी करते हैं करते रहिए। और अगर नहीं करते हैं तो संभावना है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर करने लगेंगे। नमस्कार दोस्तों, सृजन संवाद में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी युवती से जो महज 4 वर्ष की आयु से योग सीख रही हैं और अब सिखा भी रही हैं। आज हम बात करेंगे राफिया नाज से, जो कि झारखंड रांची की रहने वाली हैं और वहाँ योगा बियॉन्ड रिलीजन नाम की एक संस्था चलाती हैं। योगा सीखने और सिखाने की इस यात्रा में उन्हें लोगों से बहुत प्रेम और सराहना भी मिली। साथ साथ समाज के एक तबके ने उनका पूर्णतः बहिष्कार किया, विरोध किया, यहाँ तक कि उन पर शारीरिक हमले भी हुए, इस कदर कि उन्हें सुरक्षा भी देनी पड़ी। राफिया, आपका स्वागत है सृजन संवाद थैंक में। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि आपकी योग में रुचि कैसे हुई? यू। मैं 4 साल की उम्र की थी तब से मैं योग कर रही हूँ और योग मैं करवा भी रही हूँ। तो एक होता है ना कि बचपन में आप किसी चीज़ को देखते हैं तो वो अट्रैक्ट होते हैं, तो सेम उसी तरीके से मैं जब योग को देखी तब मैं अट्रैक्ट हुई योग के तरफ। अच्छा, और एक अट्रैक्शन था, जैसे सिंगिंग की तरफ देख के अट्रैक्शन होता है, डांसिंग की तरफ मुझे ऐसा योग करना है। क्या करना है, तो उसी तरीके से योग को देख के अट्रैक्शन था। तो जैसा कि मैं एक थोड़ा आपसे सांप्रदायिक सवाल पूछना चाहूँगी कि योग जो है, जो कि मेरा जितना एक्सपीरियंस है लाइफ का, उसको एक तबका जो है वो गैर इस्लामिक तरीके से देखता है। और ऐसा मतलब बहुत लोग योग को करने को उसको सराहते नहीं है या फिर उसको बढ़ावा नहीं देते। तो आपके परिवार में या आपके आसपास के लोगों ने आपको सपोर्ट किया उसमें, आपको आगे बढ़ने में योगदान दिया, या फिर ऐसे भी लोग थे जिन्होंने आपको रोका कि नहीं ये सही नहीं है, ये गैर इस्लामिक है, ये आपको नहीं करना चाहिए? सबसे पहली बात कि घर वाले से हमेशा सपोर्ट मिली है, और अगर घर वाले से आपको सपोर्ट मिलती है तो आप हमेशा आगे ही जाते हैं। बिल्कुल सही बात और है। रही बात है कि नफरत, तो नफरत झेलना पड़ता है, पर एक एक मतलब ये भी है कि उनका नफरत भी है तो इस लायक है कि वो मेरे बारे में सोचते हैं और मुझे नफरत के रूप में देखते हैं, तो फर्क नहीं पड़ता है उस नफरत का, क्योंकि मुझे इस बात का यकीन है कि इंसानियत की जीत होगी और उनके नफरत एक दिन मोहब्बत में तब्दील होगा। और एक तबका अगर आप लेकर के चलेंगे और वो ये कहेंगे कि वो देखता है कि गैर इस्लामिक है, तो मेरी सोच वैसी नहीं है कि मैं किसी को भी रिलीजन बेसिस पर जज करूँ या रिलीजन बेसिस पर देखूँ। तो फ़र्क तो पड़ता है, थोड़ी तकलीफ़ हुई थी जब अच्छा, मुफ्ती नदीमुद्दीन ने कहा था कि मेरी जनाजे की नमाज नहीं होगी, पर दूसरी तरफ इस बात की खुशी हुई थी कि कम से कम मेरे पास अनाथ बच्चे तो हैं जो मेरे जनाजे में आकर के मुझे मिट्टी तो देंगे। क्योंकि पहली बात ये है कि अगर मैं मरती हूँ तो मेरा हिसाब किताब मेरा अल्लाह करेगा, तो मुझे जहन्नम में डालना है, जन्नत में डालना है, मेरी नेकी क्या है, क्या मेरे गुनाह है, वो सब मेरा अल्लाह तय करेगा। दुनिया में कोई किसी शख्स के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो जजमेंट करे। बिल्कुल और सही सबसे बात है। पहली बात है कि योगा इज़ बियॉन्ड एनी रिलीजन। क्यों, और जो लोग सोचते हैं इस तरीके की, तो उनको मैं यही कहूँगी कि जब आप कहते हो कि इस दुनिया का ज़र्रा ज़र्रा का मालिक खुदा है, खुदा की मर्ज़ी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता, तो खुदा की मर्ज़ी के बिना कोई योग कैसे कर सकता है, खुदा की मर्ज़ी के बिना राफिया नाज योग कैसे कर सकती है, तो मेरे पीछे भी अल्लाह की मर्ज़ी है, तब अल्लाह तो गलत नहीं करवाते हैं ना किसी से, तो मैं गलत कैसे कर रही हूँ। बहुत अच्छी बात है। अच्छा राफी, आप ये बताइए कि आप जो योग आपने शुरू किया 4 वर्ष की आयु से, आपको क्या लगता है कि योग का आपके व्यक्तित्व में, आपके स्वास्थ्य में, आप आज की तारीख में जो भी हैं उसमें योग का क्या योगदान है? सबसे पहली बात है कि आज मैं जो भी हूँ वो योग के कारण हूँ। पहले क्या होता था ना कि मुझे बहुत टॉर्चर किया जाता था, बहुत टॉर्चर, इतना टॉर्चर कि वो बर्दाश्त से बाहर था। क्यों आपको टॉर्चर ठीक क्यों? है, वो एक रहता है ना कि योगा करती है क्या बात नहीं करना, घिनौनी नज़र से देखना, गंदी तरीके से, नफरत की निगाह से, इन शॉर्ट बोला जाए तो नफरत की तो निगाह। ये कौन लोग थे जो आपको इस तरीके से नफरत की निगाह से पहली देखते बात कि थे? उन लोगों को ना मैं हिंदू समझती हूँ ना उन लोगों को मैं मुस्लिम समझती हूँ, क्योंकि अच्छा, जो देश के कल्चर के विरुद्ध जाता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो देश विरोधी होता है, और जो देश विरोधी लोग हैं उनके लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है। तो उन्हीं की नफरत का मतलब जो सामना करना पड़ता था मुझे, उस समय मैं बोल नहीं पाती थी, अपोज नहीं कर पाती थी, कोई मार के चला गया चुप रहती थी। फिर मैंने हिम्मत करके, एक बार मेरे ऊपर अटैक हुआ था जब पीठ पे, रीढ़ की हड्डी पे चोट लगी थी, 1 साल बिस्तर पे, ज़मीन पे सोई थी मैं,
खड़ी हुई थी, एक ने मेरे सर के ऊपर गमला फेंक दिया था मिट्टी का, आज भी वो सिटी स्कैन का पेपर मेरे साथ है। आप सोचिए कि मेरे ब्रेन पे कोई चोट नहीं पहुंचा था, वो गमला टूट गया था मिट्टी का, पर मेरे सर को कुछ नहीं हुआ था। सिक्स स्टैंडर्ड में थी, पैरालिसिस हुआ था, उससे भी रिकवर हो गई। और बहुत सारी चीज़ें हैं जितनी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। रात में जो पत्थर चलता था, लगता पूरे बदन हाथ पसीना हो जाता था जब वैसा घटना देखना पड़ता था। पर यही है कि योग में बहुत शक्ति है। तो योग शांत रहना सिखाता है। योग मीन्स आसना नहीं है सिर्फ, योगा इज बियॉन्ड द आसना। क्योंकि योग बहुत टाइप के योग होते हैं, जिसमें राज योग होता है, प्रेम भक्ति योग, हठ योग, हाँ बहुत सारे। तो उसमें यम नियम आसन प्राणायाम इस तरीके से सीक्वेंस वाइज होते हैं। तो आसन है, तो जो लोग सोचते हैं अगर कि योगा सिर्फ आसन है, तो ना, योगा इज बियॉन्ड आसना। क्योंकि एक जनरल परसेप्शन है कि लोग ना आसन का मतलब, इनफैक्ट मैंने भी अभी रिसेंटली योगा डे पे पोस्ट भी किया था कि योगा का मतलब लोग समझते हैं आसन और प्राणायाम, जबकि जैसे कि आपने बोला कि आष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, यम नियम आयम प्राणायाम धारणा सिद्धि, हाँ तो समाधि तक वो पहुंचता समाधि है। तक तो बेसिकली जो योग का असली मतलब होता है यूनियन, कि आप वो जो परम शक्ति है। देखिए अगर आप सांस भी ले रहे हैं ना, तो वो योग है। और हमें तो गर्व होना चाहिए कि जिस योग को पूरे विश्व ने बाह फैला करके अपना लिया, आज वो हमारी भारतीय संस्कृति है जिसे पूरे विश्व ने बाह फैला कर अपना लिया। पर यहीं के कुछ लोगों को शर्म आनी चाहिए जो इस तरीके से योग का अपोज करते हैं, इस तरीके से वो बात करते हैं कि ये तो हमारे इस्लाम का नहीं है, हमारे धर्म का नहीं है। क्यों नहीं है? सब तो बनाया हुआ अल्लाह का है, एक तिनका भी तो अल्लाह ने बनाया है, एक ज़र्रा ज़र्रा अल्लाह का मोहताज है। तो योग किसी और का कैसे होता? अगर आप कहते हैं कि योग किसी और रिलीजन का है, इसका मतलब आपको ये भी मानना पड़ेगा कि कोई और रिलीजन भी है। हाँ बिल्कुल सही बात है। अच्छा तो अब मैं आपसे एक पूर्णतः सांप्रदायिक सवाल पूछना चाहूंगी कि जैसे मैं अक्सर इस्लाम में सुनती हूँ या फिर कुछ जो कट्टर अपने आप को कट्टर मुसलमान कहना चाहते हैं, वो लोग अक्सर बुद्ध पूजक या हम जैसे हिंदुओं के लिए पॉलिथिस्ट बोलते हैं या फिर उनको काफिर शब्द कहने का बड़ा चलन है, तो आप ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात कि काफिर क्या होता है? जो कुफ्र करता है, काफिर मीन्स हिंदू नहीं, काफिर मीन्स मुसलमान भी आते हैं काफिर में। जो लोग कुफ्र करते हैं, जो गुनाह करते हैं, वो होते हैं काफिर। और रही बात कि बुत परस्ती या फिर जो बुत की पूजा करते हैं, मूर्तियों की पूजा करते हैं, उनसे नफरत करते हैं। अच्छा अब आप ये बताइए कि आपने जब योग सीखना शुरू किया, फिर अभी आप शायद सिर्फ 22 वर्ष की हैं, हाँ, और आप कुछ सालों से योग सिखा भी रही हैं, काफी साल हो गए हैं। तो ये जो एक ट्रांजिशन था आपका कि आप पहले सीख रही थी फिर सिखाने लगी हैं अब, और आपने जब हमारी पहली बार फोन पे बात हुई थी तो आपने मुझे अपने कुछ सपने गिनाए थे, उनमें से कुछ सपने आप पूरे भी कर चुकी हैं। उनमें से एक जो मुझे काफी ज्यादा अंदर तक टच किया था कि आपने मदरसा हुसैनिया, जो कि शायद झारखंड का सबसे बड़ा मदरसा है, वहां आपने योग कराया। मेरी जितनी धर्म की समझ है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की जो भी अभी परिस्थिति है, मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मैं उसके बारे में जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगा वहां तक पहुंचने में कि आप 21-22 साल की एक लड़की मुसलमान जो कि योग करती है, उसमें इतना दमखम है कि वो मदरसा हुसैनिया में योग करा पाई, योग सिखा पाई। तो आप मुझे उसके बारे में थोड़ा बताएं कैसे मुमकिन हुआ। पहली बात ये कि मदरसा हुसैनिया के मोहम्मद साहब है, वो समझे इस बात को, एक साल से समझा रही थी तो वो समझे इस बात को कि योग क्या है क्या नहीं है, उनको बहुत समझाई। फिर जा करके शाम के वक्त योग दिवस के एक दिन पहले योग करवाई। मैंने एक चिट्ठी लिखी थी कि मदरसों के बच्चों को भी योग करने की परमिशन दी जाए, परमिशन मिली नहीं थी। अच्छा हाँ, तो वहाँ नहीं मिली तो क्या हो गया, मदरसे में जाके करवाई। पर यही बात है, उसके बाद थोड़ा हंगामा टाइप का हुआ कि मैंने ज़बरदस्ती किया, पर कोई बात नहीं, इल्ज़ाम अपने सर पे ले ली कि हाँ किया, लेकिन हो गया, मैंने किया नहीं पर अच्छा। हुआ, योग हुआ। अच्छा तो काम होने से मतलब है, आपको भले लोग गाली दें, आपके पीठ के पीछे बोले, क्या फर्क पड़ता है, काम होने से मतलब होना चाहिए। मेरा सपना था कि वो बच्चे इंडिया का कल्चर सीखे, वो बच्चे भी स्वस्थ रहे। क्यों वो अलग रहेंगे? वो मदरसा में बच्चे पढ़ रहे हैं तो क्या वो हमारे इंडिया के कल्चर से दूर रहेंगे? उनका भी उतना ही हक है हमारे भारतवर्ष के कल्चर में, वो अलग नहीं है। पर कुछ लोग इतनी नफरत भर देते हैं, इतनी नफरत भर देते हैं कि सभी लोग एक दूसरे से अलग समझते हैं। और आज के डेट की हम अगर बात कर रहे हैं तो हम क्या लड़ाई कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम,
हिंदू मुस्लिम तो कोई रिलीजन ही नहीं है, रिलीजन सनातन और इस्लाम होता है। हिंदू किसे बोला जाता है, पहले के जमाने अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप बहुत आसानी से पढ़ेंगे, हाँ भौगोलिक इससे, तो हिंदू सभी है, सभी है जो सिंध नदी के पार रहते हैं वो सारे हिंदू है, ठीक है। और इस्लाम और जो मुस्लिम कहा जाता है, मुस्लिम किसको कहा जाता है, जिसका ईमान मजबूत हो, तो वो क्रिश्चियन भी हो सकते हैं मुस्लिम, सनातन धर्म को मानने वाले भी मुस्लिम हो सकते हैं, हम भी मुस्लिम हो सकते हैं, जैसे हम हिंदू हैं वैसे एक सनातन धर्म के मानने वाले भी मुस्लिम हो सकते हैं। काफ़ी अच्छी बात है कि आप सिर्फ 22 वर्ष की हैं और आपको इतनी समझ है, जब आप आपके आसपास भी बहुत सारे धर्म के ठेकेदार होंगे, मतलब मुझे पक्का पता है, अगर मैंने देखे तो आपने भी देखे होंगे, जब उन लोगों के सामने इस तरह की बात कहती हैं कि हिंदू जो है वो एक भौगोलिक शब्द है और मुसलमान वो होता है जिसका ईमान मजबूत है, या फिर हिंदू वो है जो कि सिंध नदी के नीचे जो भी है, हाँ, और ये तो सत्य है, मतलब इसमें ऐसी कोई वो सिंधु सिंधु वो प्रोनंसिएशन में तो हिंदू 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 हिंदू, हाँ, क्योंकि वो लोग तो वो पढ़े लिखे नहीं है ना, मेन बात हिस्ट्री पढ़ेंगे तब तो पता रहेगा। जब ऐसे लोगों के सामने आप इस तरह की बात कहती हैं कि हिंदू भी जितने भी सिंध नदी के नीचे हैं, चाहे वो कोई भी हो, सारे हिंदू हैं, और जिसका भी ईमान मजबूत है वो सब मुसलमान है, तो आपकी बात पर किस तरह की प्रतिक्रिया दी जाती है कुछ लोगों द्वारा, एक समाज के तबके द्वारा, मैं ये जानना चाहूंगी। पागल। अच्छा, आपको पागल करा देते हैं सीधा कि पागल पागल है, हाँ, तो दिमाग इसका नहीं चलता, सच बात में मेरा दिमाग नहीं चलता, हिंदू मुस्लिम समझ में नहीं आता, सनातन इस्लाम समझ में नहीं आता, कुछ मतलब कुछ समझ में नहीं आता। लोग कहते हैं कि सिया सुन्नी में लड़ाई होती, मेरा तो उल्टा होता है, मेरा तो उन्हीं लोगों से पटता है। अच्छा। कभी देखी हूँ नहीं अपनी नजर में, मेरे एक अंकल है वो तो जैसे कि अगर मान लीजिए हम तो फिरका नहीं मानते, हमारे यहाँ फिरका मानना नहीं है, फिरका बोले तो सिया सुन्नी, अच्छा, ये सब आपका इंटरनल जो एक इस्लाम का डिवीजन है वो हमारे यहाँ नहीं मानने का है। अच्छा। क्योंकि सबसे पहली बात है कि हम बट गए हैं आपस में, अच्छा, चाहे वो कोई भी हो, जिस तरीके से हम आजादी में हम सब एक हो करके लड़ाई लड़े थे देश विरोधी ताकतों से, तो हमें जरूरत है एक होने की, तो यही सोच के हम लोग नहीं मानते। और जो अभी आप देखिएगा ना कि जो मिसकंसेप्शन फैला हुआ है कि हिंदू मुसलमान से नफरत करता, नहीं करता है नफरत, कभी नफरत नहीं करता, ये लोग होते हैं कुछ, चाहे वो आप उनको ले लें, चाहे वो मौलाना साहब हो या पंडित जी हो, ये लोग दोनों बोलते हैं कि एक दूसरे से नफरत करते हैं लोग, नहीं करते हैं नफरत। आज देखिए हम दोनों एक साथ बैठे हुए, नफरत है हमारे बीच में, नहीं है ना, कुछ लोग होते हैं वो भी, पूरे मौलाना साहब पूरे पंडित जी नहीं रहते हैं ऐसे, कुछ कट्टरपंथी लोग रहते हैं जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, वैसे पॉलिटिशियंस और मौलाना लोग रहते हैं, सारे मौलाना नहीं, मेरे भी तो मौलाना साहब है, मेरे भी तो हाफिज साहब है, प्राइज जीत के लेके जाते थे मौलाना साहब, मेडल मिला जी होगा, मैं बोलते वाह बेटा खुश हो, आज मेरे तरफ से एक तुमको गिफ्ट देंगे इतना पारा। अच्छा, हाँ, अच्छा, आपने एक जो बात कही थी मैं उस पर भी आपसे कुछ एक प्रश्न पूछना चाहूंगी कि जो सनातन धर्म है या फिर इस्लाम है, ये हाँ। धर्म है, लेकिन जो संस्कृति होती है हाँ। वो ज्यादातर एक भौगोलिक, मतलब जैसे अगर एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, नदी है, वहाँ की संस्कृति अलग होगी, एक ऐसी जगह जहाँ पे बर्फ है तो वहाँ की संस्कृति अलग होगी, एक ऐसी जगह जो कम्प्लीटली मरुस्थल जैसा है वहाँ की संस्कृति अलग होगी, तो जो संस्कृति है वो पहले धर्म से ना जोड़कर कहीं की भौगोलिक स्थिति से जोड़ी जाती थी, लेकिन अभी क्या हुआ, ये इस्लाम का जो प्रचलन जो हिंदुस्तान में हो रहा है उसमें क्या है कि एक ये धारणा फैल रही है कि इस्लाम, मतलब जो मुसलमान है, जो इस्लामिक फॉलोअर्स हैं, वो अपने संस्कृति, भारतीय संस्कृति को अपनी संस्कृति ना मान के जो अरबी संस्कृति है उस संस्कृति को यहाँ पे लाके उसको यहाँ पे फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मुझे इसमें बहुत ज़्यादा तर्क समझ नहीं आता है, क्योंकि आप रहे हिंदुस्तान में रहे हो, यहाँ की जलवायु झेल रहे हो और आप यहीं का अनाज खा रहे हो, तो ज़्यादा समझदारी की बात होगी अगर आप कोई भी हिंदू मुसलमान कोई भी अगर वो उस भौगोलिक स्थिति के हिसाब से वहाँ के संस्कृति को अपनाए। लेकिन आजकल संस्कृति जो हो गई है ना वो धर्म के अनुसार हो गई है कि मेरा जो धर्म है मैं संस्कृति उसी के हिसाब से फॉलो करूंगा, चाहे मैं अंटार्कटिका में रहूं, चाहे मैं सहारा डेजर्ट में रहूं, चाहे मैं अमेजन रेन फॉरेस्ट में रहूं, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात कि हम भारतीय हैं, भारतीय होने में हमें गर्व होना चाहिए। हमारे खाजा गरीब नमाज कहाँ आए थे? भारत में आए थे ना, आए थे कि नहीं आए थे? आए थे। और पहली बात कि भारतीय संस्कृति और अगर हम इस्लाम को जोड़ के देखेंगे तो हमारे हजरत निजामुद्दीन औलिया भी योग करते थे।
अच्छा योग भी तो भारतीय संस्कृति है, बिल्कुल आप गूगल कर लीजिए, हजरत निजामुद्दीन औलिया भी योग करते थे। हाँ, तो ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन गैप है और नॉलेज नॉलेज है जो लोग नहीं लेते। और क्या कट्टरपंथ, क्या हमारे पैगंबर साहब की वाइफ तो बिजनेस वूमेन थी, अच्छा क्या वो नफरत हम लोग फैला रहे हैं, क्या कहते हैं महिलाओं को नहीं निकलना, महिलाओं को बाहर जाके जॉब नहीं करना। पैगंबर साहब के ज़माने के वक्त तो महिलाएं जंग लड़ा करती थीं, अच्छा तब की महिलाओं को आप नहीं देख रहे हैं। हमारे पैगंबर कहे हैं मोहब्बत फैलाओ, पर यहाँ पे लोग उल्टा कर दिए हैं। कुरान को पढ़ने की जगह अगर लोग समझने लग गए ना, तब अच्छा ये भी एक कि लोग पढ़ते हैं देखिए समझते नहीं कुरान है। अरबिक वर्ड में लिखा हुआ है, हमारा मदर टंग क्या है, हिंदी है। हाँ तो अगर हम अगर मान लीजिए किसी बच्चे को इंग्लिश नहीं आती, हम उसको इंग्लिश पढ़ाने के लिए बुक दे देंगे कि बाबू तुम इंग्लिश पढ़ो, तो सिखा देंगे, वो इंग्लिश पढ़ के निकल जाएगा, माने नहीं समझ में आएगा। वो एक लाइफलेस ट्रांसलेशन हो जाता हाँ, है। वैसे ही अरबिक में आप कुरान पढ़े, पर उसका तर्जुमा भी पढ़े उर्दू में, ताकि आपको समझ में आए कि हमारी कुरान क्या कहती है हमसे। राफिया, मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है, और योगा बियॉन्ड रिलीजन के बारे में, आपने ये संस्था कब शुरू की, इसको शुरू करने के पीछे क्या आपका इंस्पिरेशन, क्या प्रेरणा थी, और इसको शुरू करने के बाद इसके माध्यम से आपने जितने भी बच्चों को, बच्चियों को योग सिखाया है सर्वधर्मों के, उनके जीवन में उससे क्या परिवर्तन आया है, ये मैं आपसे जानना चाहूँगी। सबसे पहली बात है कि योगा बियॉन्ड रिलीजन सीखता मैंने तब स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे बचपन से रिलीजन वो कट्टरपंथ वाला नहीं सिखाया गया था, तो रिलीजन नहीं समझ में आता था। सारे रिलीजन से मोहब्बत करनी सिखाई गई है, तो सारे रिलीजन से मोहब्बत दिमाग में रहता था। हद से ज़्यादा नफरत का सामना नवंबर 2017 में करना पड़ा, जब मेरे घर पे पत्थरबाजी हुई। इतना माहौल बिगड़ गया कि DGP सर को घर आना पड़ गया, झारखंड के CM मेरी सुरक्षा के संज्ञान लिए, मुझे सुरक्षा में अंगरक्षक दिए गए। इतना माहौल ख़राब हो गया वहाँ पे, तो ऐसा है कि अगर मैं बीच चौराहे में खड़ी रहूँगी तो वहाँ तो लोग गोली मार देंगे या कप काट देंगे, उसका कोई भरोसा नहीं है, मतलब मेरी ज़िंदगी का भरोसा नहीं है। तो ये सोची कि जितने दिन जिंदा हूँ ये मुहिम तो चला के जाऊँगी कि योगा इज़ बियॉन्ड रिलीजन, कि हम लोग अगर नहीं कर पाए तो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी ये समझे कि रिलीजन से भी बियॉन्ड कुछ होता है। इंसानियत सबसे बड़े धर्म है, अगर हम इंसानियत की राह पे चलेंगे तो हमारा भारतवर्ष में जो आज हिंदू मुस्लिम जंग छिड़ गया है वो थम जाएगा, और सभी मोहब्बत की फिज़ा हिंदुस्तान में बहने लगेगी, पर ऐसा लोग होने नहीं देते। और तो उसके माध्यम से आपने, आप कितने बच्चों को सिखाती हैं लगभग योग? हजारों 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 बच्चे हैं, कम बच्चियां से भी? कम बच्चे बच्चियां मिला के मतलब 3000 अबव है, मुफ्त में, मुफ्त में सिखाती हैं मुफ्त आप में। और मेटा 7 डेज एडवेंटिस्ट में भी योगा सिखाती हूँ, और इसके साथ साथ मेटा 7 डेज एडवेंटिस्ट पेमेंट करता है, जो पेमेंट वो मुझे करता है उस पेमेंट को मैं इधर अनाथ बच्चों और गरीब बच्चों के अच्छा, बीच आप अनाथ अभी योगा बच्चों और के गरीब लिए। बच्चों को भी योगा सिखाती हैं? अनाथ बच्चों की वजह से ही तो कहा गया है कि मेरे जनाजे में कोई नमाज नहीं पढ़ेगा। मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब को मैंने बोला था कि ये स्टेटमेंट वापस लीजिए सर, और सबको बोलिए ना कि मैं बुरा काम नहीं कर रही हूँ। तो वो उन्होंने क्या बोले, बोला उन्होंने तो था? कहा था कि तुम बेटियों पर आज तक कभी स्टेटमेंट वापस नहीं लिए। नहीं और नहीं एक आप मुफ्ती का कमेंट बहुत बड़ी बात होती है कि मेरे जनाजे की नमाज नहीं होगी, और इसके पीछे के कारण अनाथ बच्चे थे, क्योंकि वो अनाथ बच्चे बच्चे मेल जेंडर के थे। अच्छा हाँ, पर वो छोटे छोटे हैं, अब 4 साल के, 5 साल के, 6 साल के हैं, तो कहा जाता है कि गैर महरम है वो। अच्छा तो जब एक डॉक्टर ऑपरेट करके बेबी को बर्थ दे सकती है, एक पुरुष को जन्म दे सकती है, एक डॉक्टर इलाज कर सकती है, जो मुसलमान डॉक्टर हो, इस्लाम धर्म की मानने वाली, तो फिर मैं योगा कैसे नहीं करवा सकती। मतलब ये तो वही बात हो गई कि आप आयुर्वेद चीज का सेवन भी कर रहे हैं रमज़ान के वक्त रूह अफ़ज़ा का, और एक तरफ दूसरी तरफ स्वस्थ रहने के लिए योग से धिक्कार रहे हैं। हाँ, ये एक तरह की विडम्बना है कि रूह अफ़ज़ा जो है वो रमज़ान तोड़ने, वो खोलने रोज़ा के तोड़ने लिए, के लिए, खोलने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो स्वस्थ कि रहने के लिए योग का प्रयोग जो नहीं कर सकते, जबकि जबकि उसका आप जो मेडिसिन शॉप में जाके बोलते हैं हमको दवा दे दो, हमको फिट रहना है, वहाँ तो नहीं पूछता है कि ये दवा मैन्युफैक्चर हिंदू किया या मुस्लिम किया, नहीं पूछता, पर लेते तो है ना दवा, तो योग का धर्म क्यों पूछते हैं कि योग का क्या धर्म है।
अगर आप मान लीजिए आयुर्वेद दवा का सेवन करते हैं, बहुत सारे बीमारियों में आयुर्वेद चीज़ का सेवन होता है, बवासीर हुआ या कुछ भी हुआ, आयुर्वेद जिस तरीके से उसका इलाज करेगा कोई और इलाज नहीं कर सकता। तो आप जब आयुर्वेद का धर्म नहीं धर्म पूछते, धर्म नहीं पूछते तो योग का धर्म क्यों पूछते ये हैं? सारी चीजें वैसे तो धर्म से आगे हैं, लेकिन अच्छा आप ये बताइए कि जो इतने बच्चों को जो आप योग सिखा रही हैं, अनाथ बच्चों और गरीब बच्चों को भी योग सिखा रही हैं, तो उनकी जिंदगी में कुछ परिवर्तन आया होगा, और शायद जो बच्चे अनाथ नहीं हैं उनके घर वाले भी होंगे, उनमें से हर किसी के परिवार वाले सहयोग तो नहीं करते होंगे अपने बच्चों को योग सिखाने में, तो आपको किस तरह के विरोधाभास का सामना करना पड़ता है, या फिर उनके बच्चों की जिंदगी में किस तरह का परिवर्तन आया है, क्या वो आगे भी योग सीखना चाहते हैं, क्या वो आपको प्रेरणा स्रोत मान के कल को योगा टीचर ही बनना चाहते हैं, या फिर योगा में ही अपना कोई करियर बनाना चाहते हैं, ऐसा कुछ परिवर्तन देख रहे हैं आप? पहली बात कि जितने बच्चे थे जो बच्चे सीख रहे थे उसमें से कुछ के गार्जियन छुड़वा छुड़वा के ले जाते हैं, कन्विंस करके तो लाती अच्छा, हूँ किसी छुड़वा भी लेते बार। हैं? हाँ, मारते भी है बच्चों को फिर कि योगा करवाने, क्योंकि अभी ही 4-5 बच्चे थे जो कि छोड़ के गए, उनको बहुत मुश्किल से कन्विंस करके लाई थी, बहुत मुश्किल से। और इसीलिए तो मुझे तकलीफ़ हुआ कि 21 जून के दिन उन बच्चों को नहीं जाने का जाने परमिशन दिया। दिया। तकलीफ़ हुई ना, तिनका तिनका करके जोड़ती हूँ और एक बार में बिखर जाता है तो बहुत तकलीफ होती है। आप मुझे गाली दे दो, मुझे कुछ नहीं दो, मुझे कहाँ कुछ कहाँ नहीं जाने नहीं दो। दिया था उन्हें आपके बच्चों को? 21 जून में प्रभातारा मैदान में योग करने नहीं दिया गया था, एप्लीकेशन भी मैंने दिया था फिर भी नहीं दिया गया था परमिशन अच्छा, उनको। उन्हें जाने की भी अनाथ बच्चे और मदरसों के बच्चों को परमिशन नहीं मिला था वहाँ पे, तो तकलीफ हुई थी पर क्या किया जा सकता है। क्या लगता है आपको, ऐसा ऐसा क्यों होता है? बड़े लोग नहीं है ना, हम बड़ा पैरवी नहीं है, बड़े लोग नहीं है, तो सिंपल सी बात है, वो बड़े लोगों की जगह थे कैसी बात कर और रही हैं वो आप? अनाथ बच्चे थे। अनाथ बच्चों का थोड़ी स्टेटस हाई होता है, उनका तो हम बनाएंगे, ये कसम खा ली है इससे अब। मुझे याद आया कि जब हमारी पहले कभी बात हुई थी तो आपने योग से जुड़े हुए कुछ शायद चार सपने मुझे बताए थे, आप उन चारों सपनों के बारे में जरा बताएं, उनमें से कितने आपने पूरे कर लिए, कितने आप पूरा करना चाहती हैं, और उनको पूरा करने के लिए क्या कर रही सबसे हैं, क्या पहला, सहयोग हाँ चाहिए सबसे हमसे? पहला मुहिम मैंने छेड़ा योगा बियॉन्ड रिलीजन का। मेरा ये सपना था कि योगा बियॉन्ड रिलीजन मुस्लिम कंट्री में भी फैले, नियर बाई कंट्री। पाकिस्तान, बांग्लादेश, यस, उन्होंने कहा योगा इज़ बियॉन्ड द रिलीजन, लाइव आ करके उन्होंने कहा कि योगा, वो किसने? मेरे पास पाकिस्तान जैसी कंट्री में, अच्छा, कि हम योगा को अपनाते हैं, हम योगा को मानते हैं, एंड योगा इज़ बियॉन्ड रिलीजन, हम योग करेंगे, निरोग रहेंगे। वाह, उनका वीडियो क्लिप भी शायद कहीं पड़ा होगा, उन लोगों ने भेजा था। सऊदी अरब ने भी तो अपनाया ही है, ठीक है, इससे ज़्यादा आप कहाँ जा सकते हैं? ये दो कंट्री ने जब योग को अपना लिया तो फिर आप कैसी बात है? ये दोनों जब इस्लामिक कंट्री है और यहाँ इस्लाम किस चरम पे है वो सभी जानता है, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जब इस कंट्री ने योग को अपना लिया तो हमारे भारतवर्ष में योग को लेकर राजनीति क्यों होती है? इसलिए मैंने योगा बियॉन्ड रिलीजन मुहिम स्टार्ट किया ताकि लोगों की सोच बदली जाए। कि योगा जो है खैर, वो रिलीजन से बहुत योगा आगे रिलीजन है। से बियॉन्ड है। पहली बात कि मैं सबसे बड़ा धर्म इंसानियत को मानती हूँ, बच्चों को भी तो सिखा के रखी हूँ। कोई पूछता ना, बेटा तुम्हारा रिलीजन क्या है, तो इंडियन। बेटा अच्छा तुम्हारा जात क्या है, झारखंडी। अच्छा 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 तो धार्मिक ग्रंथ क्या होगा, तुम्हारा संविधान। अच्छा तो अगर आप मेरे बच्चों से ये कभी आप झारखंड जाए, सिखाती हैं अपने बच्चों को? छोटे वाह, छोटे हैं ना, 3-4 साल अच्छा, के, तो उनको तो जो उनके दिमाग सिखाएंगे में बैठ वो दिमाग जाएगा। में बैठ जाएगा। अगर आप मेरे बच्चों से जाकर ये पूछेंगे ना, जितने भी अनाथ बच्चे हैं उनसे जाकर पूछेंगे कि बाबू कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हो, तो भारतीय है। भारतीय, तो अच्छा अच्छा बाबू तो भारतीय हो तो जात क्या है, झारखंडी। अच्छा अब बिहार के लोगों को बोलती बिहारी बोलो, उत्तराखंड अच्छा का तो वो अलग। फिर बोलता अच्छा तो तुम्हारा धार्मिक ग्रंथ धार्मिक क्या है, ग्रंथ क्या? संविधान। संविधान है। तो वाह, जब ये सब मानने लग जाएंगे तो ऐसा और ये लड़ाई आपने नहीं बच्चों होगा। को सिखा रही हैं सिखा बचपन दिए से, हो जब तीन वो, चार साल के हाँ, हैं तो वो कभी भूलेंगे नहीं इस कभी वो चीज को। भूलेंगे नहीं नहीं, इस चीज को, क्योंकि बड़े होने पे वही चीज सामने आती है जो आप बचपन से सिखाएंगे। बीज जो आप बोएंगे फल वही पाएंगे। तभी बीज बोना स्टार्ट की हूँ, ऊपर वाला चाहेगा तो फल भी मिलेगा, और वो भी फल ऐसा मिलेगा जिसमें भारतीय संस्कृति कूट कूट के भरी रहेगी। योगा, योगा बियॉन्ड रिलीजन। दूसरा सपना था कि मदरसे के बच्चों को योग के जरिए मुख्य धारा से जोड़ना, जो कहीं ना कहीं मुख्य धारा से पिछड़ से गए हैं। बिल्कुल सही बात है। तो वो भी सपना लगभग पूरा हो गया। मैं मदरसा हुसैनिया में जाकर के योग करवाई, वहाँ के बच्चों को इंडियन कल्चर से सिखाई। और ये सिर्फ मैं अपने लिए नहीं,
मैं उन बच्चों के लिए करवाई, ताकि वो, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि मदरसे में करवा दी या पब्लिसिटी स्टंट की ये, कि ना फ़र्क नहीं पड़ता। अगर पब्लिसिटी स्टंट करती ना तो उस समय हज़ारों नेशनल, जितने भी नेशनल मीडिया वहाँ पे मदरसा में प्रेजेंट रहते हैं। मैंने किसी को नहीं बताया, मैं सिर्फ जाके योग करवाई थी मदरसा हुसैनिया में। अगर मैं पब्लिसिटी आपके माध्यम से भी, तो बहुत सारे लोग बोले पब्लिसिटी स्टंट में बता दी कि मदरसा हुसैनिया में योगा करवाई हूँ। नहीं नहीं, लोग अगर मैं वही उनको बता रही हूँ, अगर मुझे ऐसा करना रहता ना तो मीडिया पर्सन को इन्वाइट करती कि ये करवाने जा रही हूँ, तब जाके करवाती। ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया था, मैं गई, मैं करवाई, क्योंकि मेरा विश पूरा हुआ ये। तो आप ये इसी मुहिम को आगे बढ़ा के, जो हिंदुस्तान में जो बहुत कट्टरपंथी मदरसे भी हैं, मैं देवबंद का नाम स्पेशली वहां करवाऊंगी जल्द, तो ऐसे कुछ कुछ जो इलाके हैं जहाँ पे कट्टरपंथियों की जो पकड़ है वो बेहद मजबूत है, तो वो भी आपके टारगेट में जरूर होंगे कि आप वहां भी धीरे धीरे योग को बढ़ावा दें, वहां के बच्चों को मुख्य धारा से जोड़े, उन्हें समझाएं कि योगा जो है वो आपके स्वास्थ्य, आपके मानसिक शारीरिक आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए काफी मददगार है। और हाँ, ये हाँ, तो पहली बात है कि अल्लाह की मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिलता, उसी तरीके से अल्लाह की मर्जी के बिना तो मैं मदरसे में जाके योग नहीं करवा सकती। तो ऊपर वाले की मर्जी रहेगी तो बहुत जल्द दूसरे मदरसों में। हाँ, ये आपके दो सपने हुए। दो सपने, एक सपना था मेरा कि बच्चों को योगा का एग्जाम दिलवाना है, क्योंकि देखिए अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो आप गलत रास्ते में भटक जाते हैं। हाँ। और अगर आपके पास पैसा नहीं रहेगा तब खाएंगे कहाँ से, पियेंगे कहाँ से, तो और आजकल तो देख रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट को लेकर के कैसे मारामारी हो रही है हर जगह। तो इसीलिए मैं बच्चों को योगा का एग्जाम दिलवा करके, उनको योगा टीचर बना करके, यहाँ तक आप अगर योगा टीचर बनते हैं तो आप भारत, अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करने आउटर कंट्री भी जा सकते हैं, विदेश भी जा सकते हैं। एक तरीके से रोजगार कैसे कमाया जाए के जरिए वो भी सिखा रही हैं। तो इसके लिए मैंने बच्चों को एग्जाम भी दिलवाया, योगा का एग्जाम 89-90% मेरे बच्चे लेकर के आए हैं। हाँ, वो बच्चे जिनको अपना नाम लिखना नहीं आता वो आज योगा का मतलब आपको बता देंगे और योग करके दिखा देंगे। और उनका रिजल्ट देख के मैंने अपलोड भी किया था, आप देखे होंगे शायद रिजल्ट का मार्क्स, आप देख लीजिएगा 89%, 90%, 71%, मतलब 71 से बिलो नहीं गया है और 90 से अबव नहीं गया है। पर ज़रूर अगले साल 23 जनवरी को फिर से बच्चों का एग्ज़ाम है तो वो 95-96 लाएंगे। अच्छा। और मैं, मुझे मेरा अगर कुछ इनकम भी होता है तो मैं ये बच्चों के एग्ज़ाम में ही लगा देती हूँ, फॉर्म वगैरह भरना, क्योंकि मैं कर देती हूँ, वो थोड़ी फ्री क्या करेंगे। हाँ, सही बात है, पेरेंट्स सब सपोर्ट भी नहीं करेंगे। नहीं, वो अनाथ है ना, उनके तो अच्छा, माँ ही बाप नहीं है, तो पेरेंट्स का उनके तो माँ बाप आप ही एक तरीके से। वो लोग तो मतलब अगर चार दिन नहीं जाऊंगी ना तो एक छोटा सा है राजकेश्वर में, तो वो तो दौड़ के आएगा कि दीदी हम तो लगा कि आप गए हैं, बोले बाबू इतने जल्दी नहीं जाने वाले छोड़ के बीच में। नहीं, वो लोग के दिमाग में बैठ गया है कि दीदी को मार देगा कोई या दीदी मर जाएगी कोई। अच्छा। तो उनके दिमाग में ये बात बैठ गया है, बहुत 3-4 दिन नहीं दिखते होंगे तो उनको लगता होगा कहीं कुछ होना गया, कुछ हो नहीं गया, क्योंकि मैं उन लोगों से 3 महीने नहीं मिली थी, 2 महीने एक रूम में मैं कैद थी। अच्छा। जब लोग ऐसा करते थे कि मुझे देख के गेट पीट देते तो घर के बाहर में ये मतलब कम से कम 40-42 के आसपास पुलिस फोर्स रहती थी। अच्छा। सुरक्षा में तैनात, ऐसा माहौल हो गया था, वो तो पुलिस के प्रतिक्रिया थी, वो तो पुलिस के जवान के लिए मैं अगर रक्त भी बहा दूं ना तो वो कम होगा जिस तरीके से उन्होंने मेरा जान बचाया है। अच्छा। एक रूम में आप सोचिए कि कहाँ मैं निडर होके योग करवाती थी, कहाँ मैं 2 महीने एक रूम में कैद थी इस डर से कि अब मरूंगी तब मरूंगी। तो कहा जाता ना कि इतना भी मत डराओ कि डर खत्म, डर का डर ही खत्म हो जाए, तो डर खत्म हो गया आपका, तो वो इतना डरा दिया गया ना कि डर का डर खत्म हो गया, और इतना मौत कर दिया गया ना कि मौत का भी खौफ खत्म हो गया। मार दो आगे, मार दो। हाँ, क्योंकि जो देने वाला है ऊपर वाला है, मेरा हिसाब भी करेगा तो ऊपर वाला करेगा कि मैंने पुण्य किया है कि पाप किया। और ऐसे भी तो कहा गया है कि बेजुबान को तकलीफ नहीं पहुंचानी है और ना अनाथों को, तो अनाथ को मैं तकलीफ कहाँ पहुँचा रही हूँ, उनको तो मैं पैरों पे खड़ा कर रही हूँ। तो ये एग्जाम दिला करके मेरा तीसरा सपना। और चौथा आपने मुझे बताया था योगा प्रीमियर लीग। योगा प्रीमियर लीग जो मैं जल्द करवाऊंगी, इसी साल करवाऊंगी योगा प्रीमियर लीग। जिस तरीके से हम देखते, क्या हमारे यहाँ ये चीज़ बहुत बुरी है कि हम बाहर का कल्चर तो आसानी से अपना लेते पर अपने इंडिया का कल्चर बोलते क्या शर्म आ रहा है, पाश्चात्य संस्कृति क्या, हाँ क्या क्या शर्म आ रहा है। नहीं, आप देखते नहीं है कि अगर आज की मॉडर्न लड़कियों को बोल दीजिएगा कि चूड़ी पहन लो
तो बोलेगी क्या चूड़ी पहनना, हम चूड़ी तो भेज देंगे किसी को, ये सब बोलती है। बल्कि ये नहीं पता कि चूड़ी क्यों पहना जाता है। चूड़ी पहनने से यहाँ जो हमारी नसें होती है, वो चूड़ी जब रोटियाँ बेलती हैं, चूड़ी अप एंड डाउन होती है, तो यहाँ मसाज होता है, तो महिलाओं को जितनी प्रॉब्लम होती है वो दूर होती है। यहाँ पर हम बिंदी क्यों लगाते हैं? तो हमारी भारतीय संस्कृति बहुत प्यारी है, अगर इसको आप फॉलो करते हैं ना, तो ज़िंदगी में कभी भी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हर चीज़ के पीछे एक तर्क है। तर्क है, तो वही है कि क्रिकेट तो इंग्लैंड का है, ठीक है, तो हम कितने चाव से देखते हैं कि क्रिकेट होगा, क्रिकेट होगा, क्रिकेट प्रीमियर लीग। अरे योगा प्रीमियर लीग होगा, योगा हमारे भारत का है, ये क्यों नहीं हो सकता? तो ये मेरा सपना है, ये कॉन्सेप्ट है, जल्द सितंबर अक्टूबर नवंबर में ही इसको पूरा कर लूँगी। तो योगा प्रीमियर लीग के बारे में थोड़ा सा बताएं कि आप क्या क्या आपके दिमाग में है, क्या कराना चाहती हैं आप? हाँ, और किस किन की पॉइंट तो नहीं बताऊंगी। अच्छा हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि इसमें बिजनेस में ये कन्वर्ट हो जाए। अच्छा हाँ, क्योंकि अच्छा हाँ ये भी बिजनेस, क्योंकि आप लोग इसको बिजनेस नहीं बनाना चाहती हैं। नहीं, क्योंकि मेरा ना सपना योगा प्रीमियर लीग का बहुत पुराना है। अच्छा। और अगर मैं इसका की पॉइंट अगर आपको बताऊंगी ना, तो क्या होगा कि दूसरे लोग ग्रैब करके उसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से चला देंगे। तो मेरा जो सपना है कि अनाथ गरीब जितने पिछड़े वर्ग के बच्चे, उनके पास खाने का पैसा नहीं रहता, तो वो चैंपियनशिप के लिए पे कहाँ से रहेंगे फिर वो, और मुझे मुख्य जुड़े भी नहीं है, तो वो टूट जाएगा, क्योंकि फिर तो बात वही हो जाएगी कि उनको पे करना पड़ेगा योगा प्रीमियर लीग के लिए। तो इसलिए बस योगा प्रीमियर लीग होगा, योगा की डिफरेंट डिफरेंट टीम रहेगी, आपस में कंपटीशन करेगी, और इसके साथ साथ इस कंपटीशन में अगर कोई अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है, हायर मार्क्स लाता है, तो मेरे बहुत सारे दोस्त विदेश में हैं, वो दोस्त उस कंट्री में उसको जॉब दिलवाएंगे। यहाँ भी तो बहुत सारी महिलाएं घर में बंद रहती थी, उनको निकलवा करके योगा सिखा करके एग्जाम दी, और वो आज योगा टीचर बन के योगा की ट्रेनिंग दे रही हैं। आपके कितने स्टूडेंट्स हैं जो आज की डेट में योगा टीचर बन चुके हैं? काफी है, 100 अबव है। आप 100 अबव आपके स्टूडेंट्स टीचर बन चुके हैं? हाँ, अभी फोटोग्राफ्स में भी आप देखिएगा, मेटास 7 डेज में 1860 स्टूडेंट्स है, उसके बाद फिर ऑर्फन चाइल्ड्स को मिला के 500 प्लस है, हैंडीकैप चिल्ड्रंस भी है। अच्छा, हैंडीकैप चिल्ड्रंस? हाँ, हैंडीकैप चिल्ड्रंस को भी वो ऐसे सिखाती हूँ कि मेरे बगल में टीचर रहते हैं, मैं उनको बोलती हूँ, वो उनको बोलते हैं। अच्छा, तो इस तरीके से उनसे कम्युनिकेशन कर पाती हूँ। अच्छा। हैंडीकैप चिल्ड्रन से रैक पिकर्स को सुबह ढूंढ करके लाती हूँ, पकड़ के उनको योगा करवाती हूँ। अच्छा, रैक पिकर्स को, क्योंकि उनको बोलती हूँ क्या, देखिए आप किसी को एक दिन भिक्षा दे देंगे ना, तो क्या हो जाएगा, वो खाके खत्म, फिर आगे कल क्या करेगा रोज, तो उस रोज रोज चीज को हमें सुधारने की जरूरत है, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट देने की जरूरत है। और हम कब तक कोसेंगे सरकार नहीं देती, ये नहीं करती, आप खुद करो। आप नहीं हो क्या? आप में ऊपर वाले ने उतनी ही शक्ति दी है जितने उसमें दिए जो आज हमारा लीडर बन के घूम रहा है। तो जब वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? और सब कुछ पैसे की बदौलत थोड़ी होता है कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते हैं। आप दे सकते हैं एम्प्लॉयमेंट जिस तरीके से, स्किल सिखा सकते हैं, जिसके पास मेरे पास एक रुपया नहीं था एनजीओ का रजिस्ट्रेशन का फी देने का, पर कहाँ से हुआ, मेहनत की, पैसा जमा की, दूसरे से योग करवा के एनजीओ रजिस्ट्रेशन करवाई, फिर सोची बच्चों का एग्जाम का फी का पैसा कहाँ से लाऊंगी, फिर मेहनत की योगा का, फिर उसका पैसा जमा की, दो भैया थे उन्होंने दिया, फिर दीदी है उन्होंने दिया, फिर घर से ली कुछ पैसे जमा कर करके बच्चों को एग्जाम दिलवाई मैं। हाँ, इस तरीके से। तो अगर आप सोचेंगे ना स्टार्टिंग में ही कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, अच्छा कहाँ से देंगे एम्प्लॉयमेंट, हम तो खुद भीख मांग रहे हैं कि रोजगार दे दो, रोजगार दे दो, रोजगार दे दो, नकारात्मक तरीका है सोचने का। क्योंकि देखिए, आप एक उंगली किसी की तरफ इशारा करेंगे तो चार उंगली हमारे तरफ इशारा करती है, तो जिम्मेदार हम है इस अनएम्प्लॉयमेंट के। क्योंकि लोग क्या चाहते हैं कि आज आप 9 to 5 जॉब करें बस, आप एंटरप्रेन्योर क्यों नहीं बनते, उद्यमी क्यों नहीं बनते? छोटी छोटी चीज से भी शुरुआत होती है, छोटे छोटे, अगर आप किसी का बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग के लिए तुरंत तो नहीं खड़े कर देते, आप एक पत्थर रखते हैं। उसी तरीके से इन बच्चों के लिए मैंने अभी बीज रोपा है योगा बियॉन्ड रिलीजन, आगे ये फल देगा। तो मैं रहूं या ना रहूं, मेरे बच्चे इस लायक रहेंगे कि इस देश में कोई अनाथ भूखा नहीं मरेगा, और इस देश में कोई भी रैक पिकर्स कचरा चुनेगा नहीं, वो खुद सेल्फ डिपेंडेंट रहेगा। और इस लायक कर दूंगी मैं अपने भारतवर्ष के हर एक बच्चों को कि भीख मांगने की जरूरत नहीं होगी, वो गर्व से कहेंगे कि हम इंडियन कल्चर को फॉलो करते हैं और हम भारतीय हैं और हम भारतीय संस्कृति योग का प्रचार और प्रसार करते हैं। काफ़ी आपके जवाबों से मेरा उत्साह बढ़ता जा रहा है,
अब मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगी। आप भारतीय संस्कृति का आपने कई जगह मेंशन किया, तो आपके परिवार का अवश्य सहयोग रहा होगा अगर आपको भारतीय संस्कृति के बारे में इतना पता है। जी इतना तो मतलब जो सनातन धर्म में मेरे हिंदू भाई बहन जो मेरे दोस्त होंगे, मैं अगर उनसे पूछ लूंगी कि बिंदी क्यों लगाते हैं या तिलक क्यों लगाते हैं या सिंदूर क्यों चूड़ियाँ लगाते क्यों हैं, पहनते चूड़ियाँ क्यों हैं, पहनते हैं, तो ज्यादातर लोगों को नहीं पता। उनमें से अधिकतर लोग इसका मजाक ही उड़ाते हैं, इसको बोलते दकियानूसी कह के। हैं ना कि चूड़ी भेज देंगे, कभी बोलते हैं यार लड़के हो चूड़ी पहन लो। चूड़ी हाँ तो गर्व की हाँ बात कि लड़का है। की हाँ मर्द हो के चूड़ी पहन लो, मतलब हाँ उसको एक ना, तरीके से हीन भाव हाँ से हीन कहा जाता भावना से, है। वही तो बोल रही हूँ कि भारतीय संस्कृति को हीन भावना से देखना बंद करना होगा, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति ना ऐसी है कि सारे रोगों का निवारण पहले ही अच्छा, देती है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको भारतीय संस्कृति का जो इतना ज्ञान है, आप गौरव महसूस करती हैं कि आप उस संस्कृति से जुड़ी हुई हैं, तो इसमें आपके परिवार का सहयोग अवश्य होगा। तो आप मुझे जरा बताएं कि आपने, जैसे आपने मुझे बताया था कि आपने स्कूल में उर्दू की बजाय शायद संस्कृत पढ़ा, संस्कृत लिया था मैंने, और मुझे पता है कि बंगाली मीडियम। हिंदुस्तान में बहुत बच्चे हैं जो कि संस्कृत से नाक भौंसी घोड़ते हैं, उन्हें जर्मन और फ्रेंच सीखना है किसी भी कारण से। तो आपके परिवार का क्या सहयोग रहा कि आपने संस्कृत सीखा, आप योगा सीख रही हैं, सिखा रही हैं, और आपको भारतीय संस्कृति का इतना ज्ञान है, आप उससे जुड़ने के लिए आपको गौरव महसूस होता है, गौरव का अनुभव करती हैं, तो उसमें आपके परिवार का क्या योगदान है, जरा इसके ऊपर। सबसे पहली बात कि परिवार के बिना कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता, बिल्कुल और भारतीय संस्कृति पे तो गर्व सबको होना चाहिए। जिसको नहीं होता है उसे तो शर्म से कहीं डूब के मुंह छुपा लेना चाहिए, मरना नहीं बोलूँगी, पता नहीं चले ही ना जाए कोई शर्म के मारे। और रही बात ये कि बचपन में बंगाली मीडियम से पढ़ाई की हूँ, और अच्छा बंगला स्कूल था मेरा, और वहाँ पे हिंदी संस्कृत वगैरह था, तो मैंने संस्कृत चूज़ किया। अच्छा लगता था, समझ आता था। अच्छा अभी मेरी बहन का भी 10th आपको है। घर में किसी ने बोला कि नहीं उर्दू नहीं पढ़ो ये अभी तो वो? मेरी बहन का 10th बोर्ड है इस बार, अच्छा उसने भी तो हिंदी की जगह संस्कृत लिया। बोली कि समझ ही नहीं आता बहन, ये तो इतना अच्छा लगता है। अच्छा वाह, हाँ वो उसका बुक भी आया हिंदी का, तो वो पापा को बोली भी कि हिंदी लेकर के आ गए, लिए संस्कृत तो हिंदी लेके आ गए आप, अच्छा तो फिर वो संस्कृत संस्कृत। तो ऐसा कुछ नहीं है, देखिए सारे रिलीजन का नॉलेज आपको रखना चाहिए, कभी किसी भी रिलीजन को नीचा नहीं गिराना चाहिए। हमारा इस्लाम भी यही सिखाता है कि कभी किसी को नीचे नहीं गिराना, सबको मोहब्बत के निगाह से देखना। अगर आप जन्नत के हकदार बनना चाहते हैं, तो अगर आपसे कोई दुश्मन भी है ना, तो अगर आप उससे स्माइल करके भी मिलते हैं ना, तो वो आपको इतनी नेकी मिलती है कि आपको जन्नत तक पहुंचा देगी। ऐसा है, हमें कभी किसी को गुस्से के भाव से नहीं देखना। अगर आप 3 दिन से ज़्यादा नाराज रहते हैं तो वो हराम होता है हमारे लिए। अच्छा, ये सब रूल है, पर ये सब रूल कोई फॉलो नहीं करते। वो एक अपना सिलेक्टिव काफिर हाँ जिहाद, ये दो चार जो उन्होंने टर्म्स ढूंढे हैं। ठीक है राफिया, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे ये है कि जो लोग आपका इस प्रकार विरोध करते हैं कि आपकी जान लेने को तैयार हैं हर वक्त हर समय, और आपको हमेशा ये कहते हैं कि योग गैर इस्लामिक है, तरह तरह के ज्ञान और तर्क देते हैं, आप उन लोगों को प्रेम पूर्वक क्या संदेश देना चाहेंगी? उनको मैं इतना ही कहूँगी कि देखने का नज़रिया बदलिए, तो सब कुछ आपको मोहब्बत भरा हुआ दिखेगा। ठीक है, और पहली बात यह है कि अगर आप मुझसे भी नफ़रत करते हैं, तो ये मेरा वादा है कि आपका नफ़रत एक दिन मोहब्बत में मैं तब्दील कर दूँगी, वो भी प्यार से। वाह राफिया, मुझे आपसे बहुत बात करके बहुत ज्यादा खुशी हुई, और सबसे अच्छा बात तो मुझे ये लगी आपके बारे में कि आप भारतीय संस्कृति के प्रति जो गौरव का अनुभव करती हैं वो आजकल के युवाओं में देखने को नहीं मिलता है। तो मैं सृजन की तरफ से आपको बधाई देना चाहूँगी आप जो भी कर रही हैं। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया पूरे सृजन टीम को, कि पूरी सृजन टीम ने योगा बियॉन्ड रिलीजन कॉन्सेप्ट को समझा। और गर्व की बात तो यह भी है कि आप लोगों ने भारतीय संस्कृति योग का बढ़ावा देने के लिए योगा बियॉन्ड रिलीजन का इतना साथ दिया। धन्यवाद राफिया आपका आज हमें इतना समय देने के लिए, दिल्ली तक आने के लिए। दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारी ये पेशकश पसंद आएगी, और अगली बार हम फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी शख्सियत के साथ। धन्यवाद।